आपको राय दिलवा देते हैं, TCS उन्होंने खरीदारी की है ऑलमोस्ट 4000 के लेवल्स के आसपास और फिलहाल आप देखिए 3600 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? 27 शेयर है उनके पास समेत। और दूसरी मैं आईटी की अगर बात करूं तो थोड़ा एक चैलेंजिंग पीरियड रहा है ओवरऑल आईटी स्पेस के लिए। TCS की बात करें तो इसने एक अच्छा करेक्शन दिया है, बट हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो जब भी आईटी स्पेस एक चैलेंजिंग पीरियड से गुजरता है उसके बाद जहाँ पे भी ये स्टेबलाइज होके एक बेस बिल्डिंग बनाता है उसके बाद एक काफी स्टेडी और स्ट्रॉन्ग रैली हमने आईटी स्टॉक्स में देखी है। तो मेरा ख्याल यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बने रह सकते जो उन्होंने पोजिशन ली है थोड़ी ऊपर की लेवल पे, और इनकेस यहाँ से और थोड़ा अगर करेक्शन आता है, नॉट श्योर कि ये करेक्शन TCS में तो भी स्पेसिफिक 3200-3000 तक आएगा कि नहीं, इनकेस अगर आता है कभी भी किसी वजह के तो आप वहां पे और थोड़ा आप एवरेज आउट भी कर सकते हो, तो आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और लंबे नजरिए से रुके इमीडिएटली आपको कुछ ऐसे बड़े मूव्स आईटी स्पेस में नहीं दिखेंगे। तो करंट लेवल पे TCS में होल्ड करने की सलाह होगी और अगर अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से भी आता है तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो।